भारत के कुल राज्यों पर 70 लाख करोड़ का कर्ज है। 1 लाख करोड़ का कर्ज नहीं, 2 लाख करोड़ का कर्ज नहीं, 10 लाख करोड़ का कर्ज नहीं, 70 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश पे 6 लाख करोड़ का कर्ज है, बिहार पे 3 लाख करोड़ का कर्ज है, बंगाल पे 4 लाख करोड़ का कर्ज है, महाराष्ट्र पे 6 लाख करोड़ का कर्ज, तमिलनाडु पे 6 लाख करोड़ का कर्ज, आंध्रा तेलंगाना पे 3-3 लाख करोड़ का कर्ज, पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्ज, छोटा सा दिल्ली है इसके ऊपर भी 50,000 करोड़ का कर्ज है। कुल 70 लाख करोड़ का कर्ज है। इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव के पहले मुफ्तखोरी का कंपटीशन करती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम आपको मंगलसूत्र देंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम तो चैन देंगे, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम तो स्कूटी देंगे, चौथी पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम तो कैश भी देंगे। सारे वादे कर रहे हैं, पैसा कहाँ है कुछ नहीं पता। अगर मेरे जेब में 100 रुपये नहीं है और मैं 500 रुपये का सामान खरीदने का वादा करूँ तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो गलत करना पड़ेगा ना। इसीलिए इस मुफ्तखोरी को रोकने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया। इस साल जनवरी 2022 में मैंने PIL फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीर माना और गंभीर मानते हुए इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया। 6 महीने बीत चुके हैं, बल्कि 7 महीने बीत गए। 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब नहीं आया। इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, उसने अपना हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तो ये जो मुफ्तखोरी इसको रोक नहीं सकते, हमारे पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जवाब नहीं आया। आज ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास मुफ्तखोरी रोकने की पावर है। पॉलिटिकल पार्टियों को सिंबल इलेक्शन कमीशन देता है, तो ये सामान्य सी बात है कि जो व्यक्ति कुछ देता है उसके पास लेने की भी पावर होती है। इलेक्शन सिंबल पॉलिटिकल पार्टियां देती हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शन सिंबल इलेक्शन कमीशन देता है, इसलिए वो सिंबल वापस ले सकता है। किस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट की मान्यता मिलेगी, किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता मिलेगी, ये भी इलेक्शन कमीशन तय करता है। तो यानी जो पार्टियां मुफ्तखोरी को बढ़ा रही हैं उनकी जो मान्यता है वो भी इलेक्शन कमीशन रद्द कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टियों के सिंबल को भी इलेक्शन कमीशन सीज कर सकता है, लोगों के चुनाव लड़ने पे बैन भी कर सकता है, ये पावर है उसके पास, लेकिन वो अपनी पावर यूज़ नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट में कई बार ये बात होती है कि मुफ्तखोरी ठीक नहीं है, लेकिन कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक नहीं बनाया। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बालाजी केस में कहा था कि आप मुफ्तखोरी रोकने के लिए कानून बनाइए, कानून नहीं बना। इलेक्शन कमीशन को कहा था मुफ्तखोरी रोकने के लिए गाइडलाइन बनाओ, गाइडलाइन नहीं बनी। तो आज मैंने यही कहा कि अब ऐसे बात बनी नहीं बनेगी, पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द करने, कैंडिडेट के चुनाव लड़ने पे रोक लगाने के लिए एक गाइडलाइन जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जरूरी है। दूसरा, इंडियन पिनल कोड में ब्राइबरी का कानून है, ब्राइबरी की एक धारा है, लेकिन इसको ब्राइबरी माना नहीं जाता। अरे भैया, इससे बड़ी ब्राइबरी क्या होगी? मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे आप वोट दोगे तो मैं आपको मंगलसूत्र दे दूंगा, आप मुझे वोट दोगे मैं आपको स्कूटी दूंगा, आप मुझे वोट दोगे मैं आपको फ्री पानी दूंगा, आप मुझे वोट दोगे मैं आपको फ्री की बिजली दूंगा। पॉलिटिकल पार्टी वादा करती है, ये पैसा कहां से लाता? क्या पॉलिटिकल पार्टी अपने घर से पैसा लाती है? क्या कोई नेता अपने घर से पैसा लाता है, या पॉलिटिकल पार्टी अपने चंदे में से ये काम करती? पैसा किसका? टैक्सपेयर का। टैक्सपेयर से पूछा नहीं जाता। 5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, उनसे एक बार नहीं पूछा जाता कि आपने जो टैक्स दिया इसको हम कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, रेवड़ी फ्री की रेवड़ी बांटें कि नहीं बांटें, फ्री का मंगलसूत्र दें कि नहीं दें, कोई नहीं पूछता। पैसा टैक्सपेयर का मालिक बन के बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ, जो मन करते हैं वादा कर देती हैं, और ये भी नहीं देख रहे हैं कि देश की कंडीशन क्या है। 70 लाख करोड़ का कर्जा है, अगर हमने इसको नहीं रोका, यही बात मैंने सुप्रीम कोर्ट से कही आज कि अगर हमने मुफ्तखोरी को नहीं रोका, ये जो मुफ्त में रेवड़ी बांटी जा रही इसको नहीं रोका, भारत का हालत वही होगा जो श्रीलंका की आज हालत हो रखी है। श्रीलंका में भी मुफ्तखोरी पे लगाम नहीं लगाया गया,
श्रीलंका में रेवड़ियां जो बांटी गई थी मुफ्त में, पॉलिटिकल पार्टियों ने बांटा, उसको नहीं रोका गया। आज श्रीलंका बेहाल है। 100 रुपये किलो चीनी मिल रही है, 100-100 रुपये का एक एक लड्डू मिल रहा है वहाँ पे। ये सिचुएशन आ गई, इतनी महंगाई हो गई, पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका है श्रीलंका, पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। कोई श्रीलंका को उधार देने के लिए तैयार नहीं है। भारत भी जो उधार लेके रेवड़ी बांट रहा है, ये कब तक कौन उधार देगा? कब तक वर्ल्ड बैंक उधार देता रहेगा? कब तक अमेरिका उधार देता रहेगा? कब तक लोग बाहर से उधार देंगे? लोगों ने लंका को उधार देना बंद कर दिया, लंका कोलैप्स हो गया, बर्बाद हो गया लंका। यही हालत कुछ दिन भारत में होगी। भाई 70 लाख करोड़ का कर्जा है, चलो मान लो 10-20 लाख करोड़ और कर्जा मिल जाएगा। एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि लोग उधार देना बंद कर देंगे, पूरा हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो वही हालत होगी जो लंका की हुई। इसलिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैंने यही निवेदन किया, ये बहुत गंभीर मामला है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बहुत गंभीर मामला है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप बताइए ये मामला आप इसको सीरियस मामला मानते हैं? इलेक्शन कमीशन ने बोला हाँ मामला बहुत सीरियस है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब मामला सीरियस है तो आप इसमें कुछ करते क्यों नहीं, फिर अपने हाथ क्यों खड़े कर रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट से पूछा, भाई ये मामला आप इसको सीरियस मानते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट ने भी बोला हाँ मामला बहुत सीरियस है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर मामला सीरियस है, 6 महीने हो गए नोटिस जारी किए, आप जवाब क्यों नहीं दाखिल कर रहे हो? मेरे मैटर के बाद कपिल सिब्बल साहब का मैटर था, कपिल सिब्बल साहब भी कोर्ट में बैठे हुए थे। चीफ जस्टिस सिब्बल साहब को उठाया, बोले हाँ भाई बताइए आप सिब्बल साहब, आप तो पार्लियामेंटेरियन है, ये मामला सीरियस है कि नहीं है? सिब्बल साहब बोले हाँ मामला बहुत सीरियस है। चीफ जस्टिस ने बोला अच्छा फिर आपकी क्या राय है? बोला जी फाइनेंस कमीशन की भी इसमें ओपिनियन होनी चाहिए। उन्होंने बोला फाइनेंस कमीशन भी इसको कुछ कर सकता है। तो अब 1 सप्ताह बाद दोबारा सुनवाई होगी और इलेक्शन कमीशन को फिर से आके बताना है कि वो क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं इस मुफ्तखोरी को रोकने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है कि वो क्या क्या इसमें कानून बनाने वाले हैं मुफ्तखोरी को रोकने के लिए। अभी हमने ये भी मांग किया कि इसको ला कमीशन की भी ओपिनियन ले लिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ला कमीशन, नीति आयोग, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सबकी ओपिनियन के बाद एक इस पर ढांचा आएगा। नहीं आया तो पंजाब में जो काम आम आदमी पार्टी ने किया, आपको पता है पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। टोटल पंजाब की पॉपुलेशन 3 करोड़ के आसपास है और 3 लाख करोड़ का कर्जा है। इसका मतलब पंजाब में रहने वाले जितने भी छोटा जो बच्चा है उसके ऊपर भी 1 लाख का कर्जा है। दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, 50,000 करोड़ का कर्जा है। अब खुद ही आप कल्पना कर लीजिए, कोई ऐसा दिल्ली का छोटा बच्चा भी नहीं इसके ऊपर कर्जा नहीं। यूपी की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, 6 लाख करोड़ का कर्जा है। मध्य प्रदेश के ऊपर भी कर्जा, ऐसा भारत में कोई स्टेट नहीं जिसके ऊपर 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ का कर्जा नहीं है। ज़्यादातर राज्यों पे तो भाई हमारे देश में आप समझो ना 70 लाख करोड़ का कर्जा है, चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो या यूपी हो या बिहार आपका झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, सारे राज्यों पे कर्जा है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां ये जनता को बता ही नहीं रही हैं। वो मुफ्त की रेवड़ी बांट रही हैं लेकिन ये नहीं बता रही हैं ये रेवड़ी जो हम आपको खिला रहे हैं ये हम उधार लेके खिला रहे हैं। भाई उधार लेके घी पीने से अच्छा, उधार लेके अच्छे कपड़े पहनने से अच्छा है भैया उधार मत लो, जितनी अपनी चादर उतना पैर फैलाओ। पैसा है नहीं, कभी वर्ल्ड बैंक से मांग रहे हैं, कभी इनसे मांग रहे हैं, कभी उनसे मांग रहे हैं, कभी अमेरिका से मांग रहे हैं, कभी जापान से मांग रहे हैं, सड़क बनाने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए, ट्रेन बनाने के लिए, प्लेन बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, सब चीज़ के लिए बाहर से पैसा ले रहे हैं। और यहाँ पे मुफ्तखोरी को बढ़ा भी रहे, चुनाव जीतना है, चुनाव जीत के क्या करना, भ्रष्टाचार करना। 70 लाख करोड़ का कर्जा है, 70 लाख करोड़ का बजट है, इस बजट का 20% हर साल घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में जा रहा है। आपने देखा होगा अभी बंगाल में, बिहार में किस तरीके से, बंगाल के ऊपर भी 4 लाख करोड़ का कर्जा है और मंत्री 20-20 करोड़ अपनी महिला मित्रों को दे रहे हैं। जिस राज्य के ऊपर इतना बड़ा कर्जा हो उस राज्य का एक मंत्री अपनी महिला मित्र को 20 करोड़ रुपये उसके घर में मिला है। अभी भगवान जाने टोटल कितना और पैसा होगा, 20 करोड़ तो कैश मिला है, अभी पता नहीं कितनी पेट्रोल पंप होगी, कितनी और उनके फैक्ट्रियाँ होंगी और क्या क्या उनके पास और प्रॉपर्टी में लगा होगा, हो सकता है कोई शॉपिंग मॉल भी हो सकता है प्लॉटें भी हो सकता है फ्लैट भी हो, भगवान जाने और क्या क्या होगा, वो तो जांच में पता चलेगा। तो इस देश के नेता, जो देश खुद बदहाल है, जो देश खुद इसमें फटेहाल है, जो देश खुद कर्ज में डूबा हुआ है, सारे राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन नेता सत्ता की खातिर लगातार मुफ्तखोरी बढ़ा रहे हैं। और सत्ता क्यों चाहिए? सेवा करने के लिए नहीं चाहिए, सत्ता चाहिए और लूटने के लिए, और ज़्यादा जो है जो कर्ज लेके आ रहे हैं उसको भी और लूट कर अपने घर में रखने के लिए।
सत्येंद्र जैन का आपने देखा दिल्ली में, ईमानदार कट्टर ईमानदार अभी तक जेल में बंद हैं, हवालात में चल रहे हैं, हवाला का धंधा करते थे, कट्टर ईमानदार थे, हवाला का धंधा कर रहे थे। अभी आपने दिल्ली का देखा शराब के ठेके में क्या क्या कहानी हुई है, सीबीआई जांच चल रही, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि जो दलाली हुई इसमें किसने किसने लिया। तो जो कट्टर ईमानदार बता रहे वो भी लूट रहे, जो सेकुलर बता रहे वो भी लूट रहे, जो अपने आप को समाजवादी कह रहे वो भी लूट रहे। सत्ता मिल जाए बस, उसके बाद देश जाए बर्बाद में। इसलिए मेरा ये मानना है इस मुफ्तखोरी को बढ़ाने के लिए हम और आप जो कर सकते हैं, जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया, आप कम से कम इतना तो करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैग करके ट्वीट करिए, अपने सांसद और विधायक से पूछिए कि आपके